नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में उत्पादित होने वाले काले अमरूद के बारे में। जब भी बात अमरूद की होती है, अमूमन लोगों के जहन में हरे रंग का फल आता है, लेकिन अगर आपको कोई ये कह दे कि अमरूद काले रंग का होता है तो इस बात से आप हैरान मत होइएगा, ना ही सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि पर संदेह करिएगा, क्योंकि बिहार में जल्द ही बाजारों में आपको अमरूद काले रंग का भी दिखने वाला है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने ऐसा कर दिखाया है। विश्वविद्यालय की कोशिश के बाद पहली बार भागलपुर में काले अमरूद का उत्पादन शुरू हुआ है, जिसने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया है। शोधकर्ताओं की माने तो यह अजीब से रंग का दिखने वाला अमरूद एंटी एजिंग फैक्टर और रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य फलों से ज्यादा होने की वजह से लोगों के पसंद का कारण बनेगा। कोरोना के माहौल में लोग वैसे भी ऐसे फलों की तलाश करते हैं जिसको खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। वहीं अंदर लाल गूदे के साथ काले अमरूद की इस विशेष किस्म में एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन भरपूर मिलेगा। डॉक्टर एम फैजा अहमद की माने तो काला अमरूद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। बतौर उदाहरण समझे तो 100 ग्राम अमरूद में लगभग 250 मिलीग्राम विटामिन सी, विटामिन ए और बी, कैल्शियम और आयरन के अलावा अन्य मल्टीविटामिन और मिनरल्स मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, इस काले अमरूद में कुछ मात्रा में प्रोटीन और दूसरे फायदेमंद तत्व भी होने का दावा किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस फल से लोगों के एंटी एजिंग पर असर पड़ेगा, जिससे लोगों को अपना बुढ़ापा जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह अमरूद अगस्त के अंत तक या फिर सितंबर तक पूरी तरीके से पक जाएगा और आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि हम इस अमरूद की गुणवत्ता में और सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई गुना पोषण लाभ और वाणिज्य के उत्पादन और निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। इस अमरूद के व्यावसायिक उपयोग होने के बाद इसका लाभ किसानों को भी मिल सकेगा। वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी के HOD डॉक्टर संदीप लाल ने इस बाबत कहा कि यह नव विकसित काले अमरूद ने मेडिकल से जुड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। हालांकि इसे अभी और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह अमरूद कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही उन्होंने काले अमरूद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ICMR से भी मदद मांगी है, ताकि इस फल को लेकर बचे खुचे शोध को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ सही रहा तो किसानों को आने वाले समय में इस अमरूद की खेती करने से काफी फायदा होगा, क्योंकि यह अमरूद अपनी गुणवत्ताओं के कारण बाजार में काफी ज्यादा प्रचलित होगा और लोगों का रुझान भी इसकी तरफ बढ़ेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब भागलपुर में इस नए किस्म के अमरूद की खेती की गई हो। आपको ये भी बता दें कि वाणिज्यिकों को यह उपलब्धि रातों रात नहीं मिली, बल्कि अमरूद को बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 3 साल से ज्यादा समय तक साइंटिफिक रिसर्च के साथ विकसित किया गया है, जिसके तहत इस दौरान इसके आकार, सुगंध में कुछ सुधार के बाद जल्द ही इसे व्यावसायिक खेती के लिए लॉन्च किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल प्रचार प्रसार भी जोर शोर से किए जाने की जरूरत बताई जा रही है। वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल मिट्टी, जलवायु समेत तमाम चीजों पर अभी खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।